नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। महू तहसील के बड़कोंदा थाना क्षेत्र के डोंगरगांव पुलिस चौकी पर हुए बवाल के बाद पुलिस की गोली से मृत भोलाराम के गृह ग्राम माधुपुरा छोटी जाम पहुंचकर पीड़ित परिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सांत्वना दी है। साथ ही दुखी परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ दोषी लोगों पर निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाने को लेकर आश्वस्त किया है। परिवार द्वारा जीविका के एकमात्र कृषि के लिए सिंचाई हेतु जल की समस्या बताए जाने पर तुरंत ही तहसीलदार महोदय को बुलाकर एक छोटे तालाब का प्रपोजल तुरंत ही बनाकर देने का आदेश दिया है। आदिवासी युवती की मौत के मामले में भी बिना किसी पक्षपात के उचित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ स्थानीय नेता शामिल रहे। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। की मौत हुई है, पूरा प्रदेश के अंदर इस तरीके का माहौल है, क्या कहेंगे इस बात के? पूरे प्रदेश के अंदर तो नहीं, पर कुछ लोग इस प्रदेश में वातावरण खराब करना चाहते हैं। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ पर वातावरण खराब किया, सोशल मीडिया में गलत सूचना दी, जिससे यहाँ के नौजवानों में थोड़ी सी नाराजगी हुई और वास्तविकता कुछ और सोशल मीडिया के द्वारा कुछ और प्रचार किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सरकार इसके प्रति गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सहायता देने का भी कहा और सहायता शर्त है उनके पास। और बाकी भी इस गांव की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है, मैं अधिकारियों को भी निर्देश देके जा रहा हूँ कि तत्काल जो आप प्रधानमंत्री आवास के मकान हैं इनके, यहाँ पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इसका शीघ्र निराकरण करें। और मदन तो हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। दादा, अभी आपने घोषणा करी, तहसीलदार साहब को बोला तालाब के लिए, तो क्या इन लोगों के लिए तालाब जल्द आपकी तरफ से? नहीं, मैंने कलेक्टर से भी कहा है कि कोई बहुत बड़ा तालाब नहीं है, 25-50 लाख में बन जाएगा। सरकार के पास पैसा हो तो ठीक है, तो विधायक निधि और सांसद निधि भी हम उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे यहाँ पर जो सिर्फ बरसात के पानी पे कुछ लोग, कुछ हमारे आदिवासी भाई खेती करते हैं, उनको कम से कम अगर छोटा तालाब बन जाएगा तो दो खेती ले सकेंगे। महिला लड़की की जो मौत हुई थी और ये युवक की जो मौत हुई, इसको लेकर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि वो जो आरोपी यदुनंदन पाटीदार है उसको कविता पाटीदार जो है वो बचा रही है, उनका समर्थन कर रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, कोई समर्थन नहीं कर रहे, हमने कहा कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और पुलिस उसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे। यदि यदुनंदन पाटीदार उसमें दोषी है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और यदि नहीं है दोषी तो फिर जबरदस्ती कांग्रेस के दबाव में उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एजेंसीज को चाहिए कि वो निष्पक्ष जांच करें और समाज के सामने दूध का दूध पानी की पानी करें। सर, इससे पहले भी इस प्रकार के मामले आते हैं, आदिवासियों का आंदोलन होता है और इस तरह की घटनाएं होती है, इससे पहले भी आपने देखा होगा मानपुर में भी हुआ, काफी सारा रोड जाम कर दिया था, गंभीर नदी को लेकर हुआ था, तो ये जो लीडरशिप होती है आदिवासी की, उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या उनको बरगलाया जा रहा है? हमारे जो नेता हैं वो तो गंभीर है, हमारे जैसे सबसे सीनियर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे रामकरण भामर जी हैं, धन्ना लाल है, बिरबल है, हमारे ये सब ये साथी हमारे जो बहुत गंभीर है, समाज के प्रति प्रतिबद्धता इनके और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, कुछ हमारे आदिवासी भाई खेती करते हैं, उनको कम से कम अगर छोटा तालाब बन जाएगा तो दो खेती ले सकेंगे। महिला लड़की की जो मौत हुई थी और ये युवक की जो मौत हुई, इसको लेकर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि वो जो आरोपी यदुनंदन पाटीदार है उसको कविता पाटीदार जो है वो बचा रही है, उनका समर्थन कर रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, कोई समर्थन नहीं कर रहे, हमने कहा कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और पुलिस उसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे। यदि यदुनंदन पाटीदार उसमें दोषी है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और यदि नहीं है दोषी तो फिर जबरदस्ती कांग्रेस के दबाव में उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एजेंसीज को चाहिए कि वो निष्पक्ष जांच करे और समाज के सामने दूध का दूध पानी की पानी करे।
सर, इससे पहले भी इस प्रकार के मामले आते हैं, आदिवासियों का आंदोलन होता है और इस तरह की घटनाएं होती है, इससे पहले भी आपने देखा होगा मानपुर में भी हुआ, काफी सारा रोड जाम कर दिया था, गंभीर नदी को लेकर हुआ था, तो ये जो लीडरशिप होती है आदिवासी की, उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या उनको बरगलाया जा रहा है? हमारे जो नेता हैं वो तो गंभीर है, हमारे जैसे सबसे सीनियर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे रामकरण भामर जी हैं, धन्ना लाल है, बिरबल है, हमारे ये सब ये साथी हमारे जो बहुत गंभीर है, समाज के प्रति प्रतिबद्धता इनके और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है, इसलिए कभी ये हिंसक आंदोलन में कभी भाग नहीं लेते हैं। पर बाहर के लोग आके यहाँ के नौजवानों को बरगलाते हैं, हमने इनसे कहा है कि कम से कम अपने जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं वो इस प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लें। इस घटना पर कांग्रेस किस प्रकार से राजनीति कर रही है? देखिए, उनका कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके ऊपर राजनीति कम और पीड़ित के प्रति अपनी सहानुभूति ज़्यादा करना चाहिए। कांग्रेस हर जगह राजनीति करती है, होना ये चाहिए कि पीड़ित के प्रति हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद कर सकें, कोई भी घटना हो जाती पर उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हम वहाँ पर आकर राजनीति करने लगे ये ठीक नहीं। जिस प्रकार से लड़की के घर कल वहाँ की प्रांपल के विधायक में आते हुए सारे मतलब जितने भी विधायक थे वहाँ पर पहुँचे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? प्रांपल के विधायक नहीं, मैं कहता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो राजनीति के लिए नहीं होती, सहानुभूति के लिए होती। हम यहाँ आए हैं राजनीति करने नहीं आए, हमारा मदन हमारा कार्यकर्ता है और उसके यहाँ अगर इस प्रकार का वज्रपात हुआ तो हम उसके दुख में खड़े होने आए साथ में, और यहाँ पर कोई भी उनके साथ समस्या होगी उसका निराकरण भी करेंगे। सर, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है पुलिस की गोली से ये जो मदन कार्यकर्ता की मौत हुई, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अचानक ऐसी क्या स्थिति बन गई जो गोली चलाने की स्थिति सामने आ गई? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए, जांच में यदि पुलिस कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई।